50 डॉट बॉल ऐसे चीज में, 50 डॉट बॉल, क्या वो आंकड़ा था फर्क? नहीं नहीं, फर्क तो ऑब्वियसली बात है, ये एक आंकड़ा है जहाँ पे ऑब्वियसली वो लोग बहुत पीछे पड़ गए, लेकिन यहाँ बहुत सारी चूक हुई है जीटी के कप्तानों के तरफ से, प्लस अपना मैनेजमेंट जो है। आप मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपके पिछले मैच में शुभमन गिल के साथ जिन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, 53 रन बनाए 35 गेंदों में, विजय शंकर 3 नंबर पे आके, आपको क्या ज़रूरत है चेंज करने का? अगर पिछले पिछले अगर आप देखें जितने भी इनिंग्स विजय शंकर के लास्ट 3 इनिंग्स अगर देखेंगे, कम गेंदों में उन्होंने कितनी अच्छी पारियां खेली, एक शतक भी बनाए थे इसके पहले 24 गेंद में 50 के ऊपर। जब एक बल्लेबाज आपका लास्ट मैच में, ज़्यादा गैप ही नहीं था, एक या दो दिन का गैप था, उसके बाद ही ये मैच होना था, जब जो प्लेयर ले में है लास्ट मैच में रन बना रहे हैं, आप उसको आज 6 नंबर पे भेजते हो, और प्लस थोड़ी बहुत बॉलिंग में जो बात की है राशिद और नूर, वो जो पांचवा छठा ओवर में जब आया, जब रन गए 9-9 रन करके, हालांकि देखने में लगता है कम है, लेकिन वो अगर 6 ओवर के बाद डालते ना तो उतना आसान नहीं होता मारना, क्योंकि ये पाजी कह रहे थे कि विकेट रुक रही है और ग्रिप भी हो रही थी। तो जब ग्रिप होता है ना तो आप स्पिनर को थोड़ा सा प्रोटेक्शन दो, प्रोटेक्शन देने से 9-9 रन करके नहीं जाते, होते और कम, क्योंकि शिवम दुबे जिस तरह से बोल्ड हुए हैं, देखिए वो रीड नहीं कर पाए थे, तो आप समझ सकते हैं और डालते, तो ये सब चूक हुई है। और डॉट बॉल के अलावा अगर आप देखें, चेन्नई ने 13 अतिरिक्त गेंद किए हैं, वाइड गेंद्स, बिल्कुल, तो इसका मतलब इन्होंने 20 ओवर भी नहीं, 22 ओवर इनके पास था, हालांकि उस नजरिए से नहीं देख सकते, तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी के जो क्रम चेंज हुए वहां पे बहुत बड़ी भूल है, कई बार रन एक्स्ट्रा बनवा दिए, 15-17 रन एक्स्ट्रा बन गए थे और वही उसी रनों से हारे हैं वो फाइनली। जी मैं उसी पे आ रहा था, क्योंकि हमने कई बार देखा है इस लीग में, इस फॉर्मेट में, कि 40 ओवर के खेल में कई बार एक छोटा सा पैसेज होता है, एक आध ओवर होता है जहां पर जो गतिविधि होती है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रिजल्ट पर होता है, और वो मोहम्मद शामी का आखिरी ओवर 15 रनों का फर्क था, क्या उस ओवर को देख सकते कि वो कारण था? देखिए 15 नहीं तो 9 तो खाते ही, जी 8-9 तो देते ही, उससे कम तो दे नहीं सकते थे, तो वहाँ पे आप 6 रन पकड़ लीजिए। और जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि वो जो बीच में, आप उन दोनों के एनालिसिस उठा के देखिए, नूर ने 29 रन दिए इस विकेट पे, अगर नॉर्मल टाइम पे डालते, आपने देखा तीक्ष्णा की गेंद कैसे धार ले रही थी, रविंद्र जाडेजा की गेंद कैसे पढ़ के घूम रही थी, यही आप 6 के बाद डालते तो वो जो 37 रन राशिद खान ने दिए होते ना, उसमें आप और 12 रन कम कर लीजिए, 25 होते, और फिर अगर नूर अहमद की बात करें ये और 7-8 रन कम देते, तो आप यहीं पे पकड़ लिए ना उन लोगों को। शमी ने 15 खाए भी होते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिरी ओवर था, उस बल्लेबाज ने तो बल्ला घुमाना ही था। पर ये जो बीच के ओवर्स में जो आपने गलती की, या मेरा मानना है कि मोहित शर्मा जैसा गेंदबाज उस पावर प्ले में डाल सकता था, आराम से डाल सकता था, मैं समझ सकता हूं कि क्यों गए होंगे राशिद के पास, कि ये ओपनिंग साझेदारी ही है जिसने सबसे ज्यादा तंग किया है, यही साझेदारी है जो चेन्नई को लेके चली है, तो चलिए इनको हम आउट करने की कोशिश करते हैं, पर वो हाइंडसाइट में वो ठीक नहीं था, क्योंकि 9-9 रन चले गए, काफी रन होते हैं इस विकेट को देख के, और वही बॉलर्स जो बाद में आके बिल्कुल ही शिकंजा कस लेते हैं वहां पे। जी छक्का लगाने की कोशिश, एक पॉइंट आना चाहूंगा, मोहम्मद शमी की आखिरी ओवर में 15 गई है मानते हैं, लेकिन इसके पहले उन्होंने 3 ओवर में 14 रन दिए थे, अब उसके सिर्फ उसके ऊपर जाने से थोड़ा सा मेरे तरफ से अनफेयर रहेगा, लेकिन नारखंडे ने भी 40 रन के ऊपर दिए उन्होंने, तो ये भी देखिए प्रेशर मैच में आप यश ठाकुर को हटाकर दर्शन नारखंडे को ला रहे हो, फैन शायद सोचे कि अरे ये शायद ये पासा गलत पड़ गया इनका पासा, देखिए एक सरप्राइज एलिमेंट उन्होंने देने की कोशिश की थी, शुरुआत अच्छी की थी उन्होंने, लेकिन नो बॉल हो गई, और हम कितने बार देखते हैं आईपीएल में बोल दीजिए, या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बोल लीजिए, या घरेलू क्रिकेट में, मैं अपने बंगाल टीम में देखा हूँ, विकेट गिरी है नो बॉल हो गई है, तो कहीं ना कहीं ये प्लेयर्स को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस सेशन में बॉल डालते हो ना, आप एक हाथ पीछे से डालो ना, क्या जरूरी है आपको उतना करीब जाने का जी। आपने आज अगर आप रिफ्लेक्ट करेंगे, है नौजवान खिलाड़ी, लेकिन इतने बड़े मैच में आपकी जो शुरुआत हुई थी, ऋतुराज को आपने आउट कर दिया था जल्दी, वहां से उसके बाद ऋतुराज ने 50 बनाई, आप उस 50 को माइनस कर दो तो कितने होते टोटल आपके, तो ये सब फैक्टर बन जाता है। यश दयाल को आज बाहर बिठाना क्या सही था? देखिए अगेन हम बैठ के स्पेक्युलेट नहीं कर सकते कि क्यों बाहर बिठाया, क्योंकि ऑफिशियल अंदर कुछ ऑफिशियल कोई न्यूज नहीं है, या तो किसी ने टॉस पे पूछा हो कि क्यों बदले ये बदलाव किए गए, पर आप नहीं चाहते कि एन वक्त पर अनलेस एंड अनटिल कोई निगल हो, क्रिकेटिंग सेंस तो नहीं कहता, खासकर वो टीम जो ज्यादा चेंजेस कर नहीं रही है। अगर हम चेन्नई के बाद अगर किसी टीम की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि जी ये उसी हैंडबुक से इन्होंने एक पेज फाड़ा है, तो
हम गुजरात की बात करते हैं कि ये चेंजेस नहीं करते, बहुत स्थिरता के साथ ये अपनी टीम को लेके चलते हैं और इनकी तारीफ ही होती है जी। नालकंडे को आप ब्लेम नहीं कर सकते। अगेन मेरा मानना है कि ये कुछ कप्तान होते हैं जैसे मैनेज करने वाली बात होती है ना, क्या आप उनको ऐसे टाइम पे बॉलिंग कराएं जहां पे उनके एनालिसिस का सुधार हो, ज़्यादा मुश्किल ओवर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस बॉलर्स को देंगे, या नालकंडे को आप फायरिंग लाइन में डाल रहे हैं। पर मेरा मानना था कि आज वापस मैं वही कहूंगा, क्या मोहित शर्मा पहले डाल सकते थे अगर ज़रूरत थी, क्योंकि मोहित शर्मा को एक जैसा उन्होंने समझ लिया कि एक ही जैसे करेंगे, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की है, एक ओवर या बाकी जितने बॉलर थे उनसे एक ओवर निकलवा सकते थे अगर नालकंडे से नहीं करवाने थे चार ओवर। तो छठे ओवर में हार्दिक पंड्या का विकेट गिरा, पावर प्ले में गुजरात का स्कोर 41। उसके बाद आपने नंबर चार पर किसे भेजा, दसुन शाना का। जाहिर बात है अगर सात से कम की आपकी स्ट्राइक रेट है पावर प्ले में, आप रन स्कोरिंग को बढ़ाने के लिए मूव कर रहे हो। दसुन शानका के नंबर्स आप देखें आज, नंबर चार पर खेलते हुए 16 गेंदों में 17 रन और उनकी ओर से आए एक चौका एक छक्का, 7 डॉट बॉल वो खेले। तो जिस चीज़ को करने के लिए आपने उनको भेजा वो तो हुई नहीं। इसके अलावा मनीष भाई, जो जिस सोच से उनको भेजा गया ना, मैं बता रहा हूँ क्यों भेजा गया, क्योंकि थिक्षणा श्रीलंका के लिए खेलते हैं और ये उनके कप्तान है श्रीलंका टीम में। उनको लगा कि ये इनको अच्छे से खेल सकेंगे और इनको अटैक करके रन निकाल सकेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना ज़रूरी है कि ये इस मैच के पहले क्या ये लय में थे, रन बना रहे हैं, इनका आत्मविश्वास क्या उतना अच्छा है, नहीं था। तो आप जब आपके पास विजय शंकर जैसा प्लेयर है, लास्ट मैच में उन्होंने 35 गेंद में 80 रन बनाए हैं, उसके बाद उसको आप पीछे कर दे रहे हो, इसका मतलब क्या आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो उसके ऊपर कि ये शायद थिक्षणा को नहीं खेल पाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। जो लय में है उसको खिलाओ। इसीलिए MS धोनी क्यों बाकी कप्तानों से और कोचेस से आगे है। MS धोनी सिर्फ कप्तानी नहीं कर रहे, वो कोचिंग भी कर रहे हैं, तो ये डुअल रोल वो करते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉमन सेंस और सिंपल रखने की बात थी जो आज चूक हुई है GT से। अब आने वाले मैच में जो खेलेंगे वहाँ पे ये भूल नहीं करेंगे वो। बैटिंग ऑर्डर शानका एट 4, विजय शंकर एट 6, कॉमन सेंस यस नो? देखिए मैं वापस मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो मनोज ने कहा, ये हो सकता है कि उसी वजह से किया हो। दसुन शानका देखिए काबिल खिलाड़ी हैं, बहुत काबिल खिलाड़ी हैं, उनको खिलाया नहीं है इस साल, पर ये क्या ये मूव अगर यही रन बना लेते तो हम उसी की तारीफ कर रहे होते। पर मैं अभी भी कहूँगा कि जितना मर्जी आप कह लीजिए, जिसको मर्जी आप भेज दीजिए 15-17 रन, जो सिचुएशन और विकेट के अनुसार ना ज़्यादा रन बन गए थे। आप अंत में ना ये 15 रन दिखते हैं, हम सोचते हैं कि कहाँ कहाँ से हम जोड़ सकते थे, गणित कर सकते हैं, बैलेंस शीट टैली कर सकते हैं, पर क्रिकेट ऐसी नहीं खेली जाती। अगर मैच कहीं फंस जाता है विकेट के वजह से तो फंस जाता है, और वही हुआ है आज।